हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ स्किन केयर प्रोडक्ट्स फॉर टीनेजर्स। ज्यादातर टीनेजर्स अपने टीन एज में एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम फेस करते हैं। इनफैक्ट उस वक्त टैनिंग की भी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी फॉर ऑल द टीनेजर्स आउट देयर। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सारे प्रोडक्ट्स अंडर जस्ट 500 रुपीज़ है। सो दिस इज़ अ वेरी बजट फ्रेंडली वीडियो ऑल्सो। सारे प्रोडक्ट्स मैंने अमेजन से परचेज किया है। सो अगर आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। अमेजन पर आपको इन प्रोडक्ट्स को डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट गेट इन टू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद अ क्लेंजर। मैं हाईली रिकमेंड करूंगी मामा अर्थ का ये उपटन फेस वॉश। इसके अंदर टर्मरिक है, सैफ्रन है। ये आपके स्किन से जो टैनिंग की प्रॉब्लम है उसे रिमूव करने में मदद करेगा। इसके अंदर ना छोटे छोटे बीट्स है, स्क्रब पार्टिकल्स है, जिससे आपका स्किन एट द सेम टाइम एक्सफोलिएट भी होता है, वो भी काफ़ी माइल्ड तरीके से। तो टीनेज में ये फेस वॉश परफेक्ट रहेगा क्योंकि ये आपके स्किन से जो डेड स्किन सेल्स है उसे भी रिमूव करने में मदद करेगा, एट द सेम टाइम क्लीन करेगा और टैनिंग की प्रॉब्लम को भी काफ़ी हद तक रिड्यूस करेगा। एट द सेम टाइम कोई एक्स्ट्रा स्क्रबर की भी ज़रूरत नहीं होगी बिकॉज योर स्किन इज़ टू सेंसिटिव। एंड टीनेज में आई विल नॉट सजेस्ट एनी स्क्रबर्स फॉर देम क्योंकि उससे स्किन और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती है और स्किन में माइक्रो कट्स भी आ सकते हैं। सो आई विल हाईली रिकमेंड दिस वन। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस फेस वॉश। टीनेज स्किन के रूटीन का जो सेकंड स्टेप है वो है एक टोनर। टोनर में मैं रेकमेंड करूंगी बायोटिक का बायो कुकुम्बर रिफ्रेशिंग फेस टोनर। इसके अंदर कुकुम्बर है और ये ना ओपन पोर्स को काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रीट करता है, ओपन पोर प्रॉब्लम को एकदम रिड्यूस कर देता है। जब आप फेस को वॉश करते हैं अच्छी तरीके से तब आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, जिसे क्लोज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना डर्ट, जंक, इम्प्योरिटीज उस पर क्लॉग होकर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। टीनेज में हम लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं अपने स्किन पर, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप सिर्फ इस टोनर को अप्लाई करोगे, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन सब भूल जाओगे, बट सिर्फ इस टोनर को इस्तेमाल करोगे फिर भी आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी। नॉट फ्रॉम द सन रेज, आई एम नॉट सेइंग इन दैट पर्सपेक्टिव, बट आपकी स्किन इम्प्योरिटीज, पॉल्यूशन, इन सब से प्रोटेक्टेड रहेगी और आपके स्किन में पिंपल्स, एक्नी, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब आ रही है सीरम्स की। टीनेज में मैं ज़्यादा सीरम सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर आपकी स्किन नॉर्मली बिहेव करता है विथ क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, देन डू दैट ओनली, स्किप सीरम्स। आफ्टर योर टीनेज आप सीरम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है और स्किन को आप एकदम ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, देन डेफिनेटली आप इस तरीके का सीरम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अपने लेट टीनेज में, अगर आप 18, 19 ईयर्स के हैं, तो आप सीरम्स इस्तेमाल करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो मैं पहला सीरम सजेस्ट करूंगी वो है ये लॉरियल का रीवाइटलिफ्ट हाइलुरोनिक एसिड फेस सीरम। आई नो इसमें हाइलुरोनिक एसिड है जो कि एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है जिसमें, बट मैं टीनेजर को यही सजेस्ट करूंगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है एंड ये आपके स्किन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। जैसा मैंने इसको ऑब्जर्व किया है, ये हर स्किन टाइप्स पर इजीली सूट कर जाता है। इसके अंदर सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड है जो कि कम मात्रा में है, विच इज़ 1.5%। सो विच इज़ वाई दिस इज़ परफेक्टली सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। लेकिन हाँ, अगर आप टीनेज में हैं और आप सीरम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको जो सीरम की क्वांटिटी है वो सिर्फ 2 ड्रॉप्स लेना है एवरी सिंगल नाइट। दूसरी बात है कि अगर आपके स्किन पर काफ़ी ज़्यादा एक्ने मार्क्स है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स प्रॉब्लम है, देन आप अपने लेट टीनेज में ये स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज प्लम राइस वाटर एंड नायसिनामाइड। 10% नायसिनामाइड इसमें है, विच इज अ वेरी हाई कंसेंट्रेशन। व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स होते हैं उन एरियाज पर सिर्फ 1 ड्रॉप आप अप्लाई करें। ये काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है, हाइड्रेटिंग है, इजिली स्प्रेड हो जाता है, तो आप 1 ड्रॉप को ही इजिली अपने होल फेस पर स्प्रेड कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी गुड लाइट मॉइस्चराइजर, क्योंकि ज़्यादा हीवी मॉइस्चराइजर आपके स्किन को क्लॉग कर सकता है। सो अ वेरी गुड सजेशन आई हैव फॉर यू ऑल, विच इज दिस Lakme Peach Milk SPF 24 वाला मॉइस्चराइजर। नाउ इसके अंदर SPF 24 है, तो अगर आप घर पे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, यू आर नॉट स्टेपिंग आउट इन डायरेक्ट सनलाइट, तो
उसके लिए ये एकदम परफेक्ट और ये ऑयली स्किन पीपल के लिए भी अच्छा रहेगा। इनफैक्ट ये सारे प्रोडक्ट्स अगर आप टीनेज में नहीं है फिर भी आपके लिए परफेक्ट रहेगा, बट मैं स्पेसिफिकली टीनेजर्स के लिए ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि टीनेजर्स हर कोई प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उनकी स्किन टीनेज में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो दे हैव टू सिलेक्ट देयर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किन इशूज, अकॉर्डिंग टू देयर स्किन टाइप। अब आ रही है एक अच्छी सनस्क्रीन की। आई पर्सनली लव यूजिंग दिस न्यूट्रीजना अल्ट्रा शेयर ड्राई टच सन ब्लॉक। इसके अंदर SPF 50 प्लस का प्रोटेक्शन देगा, SPF 24 कम टाइम के लिए आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, SPF 50 प्लस आपको ज्यादा देर तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो अगर आप स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो आप बार बार सनस्क्रीन को रीअप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने इस वाले को सिलेक्ट किया है क्योंकि ये आपको SPF 50 प्लस का प्रोटेक्शन देगा एंड द प्राइस इज ऑल्सो वेरी मिनिमम। ये सिर्फ 200 रुपीस का है। जो भी आप सोप या शावर जेल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसके साथ संडेज को या वीकली एक बार किसी भी दिन आप इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करें। दिस इज एम कफेन नेकेड एंड रॉ कॉफी बॉडी स्क्रब। अगर आपके स्किन पर टैनिंग की प्रॉब्लम है उसे ये इजिली रिमूव कर देगा विद इन अ मंथ एंड ये अफोर्डेबल भी है, 500 रुपीस के अंदर मिल जाएगी। इसके साथ एक वुडन स्पून भी आपको मिलेगा जिससे आप प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। आप शावर ले लीजिए पहले, बॉडी वॉश वगैरह इस्तेमाल कर लीजिए, उसके बाद आप वेट स्किन पर इसे लेकर बस मसाज कर लीजिए, स्क्रबिंग कर लीजिए, वो भी हल्के हाथों से। और इसे पानी के साथ मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये कॉफ़ी पाउडर है तो वो एकदम लिक्विड बन जाएगा जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है स्किन को। एंड टीनेजर्स के लिए सिर्फ इसे अगर आप इस्तेमाल करोगे ना तो आपके बॉडी टैनिंग एंड बॉडी केयर एकदम कंप्लीट हो जाएगा अलॉन्ग विद योर सोप और शावर जेल। सो इसीलिए मैंने इस वीडियो में इसे इंक्लूड किया है। सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने प्रोवाइड किया है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज के लिए कहीं, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।